नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम है रविंदर और दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा जियो पोज प्लस के रिटेलर और जियो पोज लाइट के रिटेलर जियो में एमएनपी नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है, यहाँ पर जो जितने भी वीआई के कस्टमर हैं और जितने भी एयरटेल के कस्टमर हैं और जितने भी बीएसएनएल के कस्टमर हैं, यदि उनके नंबर से पोर्ट की रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है, यहाँ पर पोर्ट का मैसेज जो सेंड किया जाता है कंपनी को, तो यहाँ पर कस्टमर के नंबर पर साथ के साथ पोर्ट कोड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसी परेशानी को देखते हुए जियो कंपनी ने एक टेम्परेरी डमी कोड यानी पोर्ट कोड जनरेट किया है, जिसके माध्यम से आप किसी भी कस्टमर का सिम जियो में पोर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों इसके दो स्टेप हैं, दोस्तों मैं आपको इन दोनों स्टेपों को बताऊंगा जिसके माध्यम से आप कस्टमर का सिम जियो में आसानी से पोर्ट कर सकते हैं, यानी कि कस्टमर का पोर्ट कोड लेट आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्यारा सा एक लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने का दोस्तों कोई चार्ज नहीं लगता है। और कॉमेंट करके दोस्तों जरूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, यूजफुल है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप आ जाता है, जैसे मान लीजिए आपकी शॉप पर कोई भी कस्टमर आता है, मान लीजिए आपकी शॉप पर कोई वीआई का कस्टमर आता है अपनी सिम को जियो में पोर्ट कराने के लिए, और दोस्तों आप उसके नंबर से पोर्ट की रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं साथ के साथ। लेकिन दोस्तों यहां पर जो है साथ के साथ पोर्ट की रिक्वेस्ट डालने के बाद कस्टमर के नंबर पर पोर्ट कोड नहीं आता है, तो दोस्तों यहां पर जो है आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रिक्वेस्ट कैसे डालेंगे, पूरा प्रोसेस करना है यहाँ पर, उसके डॉक्यूमेंट आपको पूरे सबमिट कर देने हैं। लास्ट टाइम पे जब प्लान सेलेक्ट यहाँ पर प्लान सेलेक्ट कर लेंगे, एमएनपी सेलेक्ट कर लेंगे, और एमएनपी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऊपर, आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, उसके बाद आपको पोर्ट कोड डालना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो पोर्ट कोड क्या है, आपको साइड में दिख रहा होगा वो पोर्ट क्या है, पोर्ट कोड क्या है जो आपको एमएनपी में लगाना है। ये किसी भी कंपनी का सिम हो, या तो बीएसएनएल का हो, या वीआई का हो, या ये एयरटेल का हो, आपको पोर्ट कोड लगाना है दोस्तों AM999999, ये पोर्ट कोड हो गया। और डेट उसी डेट की आप जो है उसमें तारीख भर देंगे, इसके बाद दोस्तों आप नीचे कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे और उसको वहां पर सेव कर देंगे। दोस्तों ये तो हो गया डमी कोड, अब मैं आपको बता दूं ये डमी कोड आपका 24 से 36 घंटे के लिए वैलिड है। और दोस्तों यहां पर जो है पहला स्टेप होने के बाद, मान लीजिए कस्टमर के नंबर पे पोर्ट की रिक्वेस्ट करने के बाद उनके नंबर पे 3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे या 10 घंटे या 20 घंटे के अंदर अंदर पोर्ट कोड आना 100% आना ही आना है। तो दोस्तों जब कस्टमर के नंबर से वो पोर्ट कोड आ जाए तो आपको एक सेकंड प्रोसेस और दोहराना है, जिसमें दोस्तों आपको करना क्या है कि आपके पास कोई भी जियो का नंबर हो, आपको उस नंबर से एक मैसेज टाइप करना है यूपीसी, आपको टाइप जो कस्टमर के नंबर पर 1901 से जो मैसेज आएगा उसमें यूपीसी कोड होता है, तो दोस्तों यहां पर आपको टाइप कर देना है यूपीसी स्पेस मोबाइल नंबर और स्पेस के बाद आपको वो पोर्ट कोड वहां पर टाइप कर देना है, इसके बाद वो आपको मैसेज सेंड करना है 60000 60000। तो दोस्तों यहां पर जब आप इस मैसेज को सेंड कर दोगे तो ये पोर्ट कोड चला जाएगा जियो कंपनी के पास, और दोस्तों यहां पर जो है आपकी जो रिक्वेस्ट है वो 100% सक्सेस हो जाएगी। और किसी भी कारणवश दोस्तों आपकी जो एमएनपी आपने डाली है और यदि वो फेल हो जाए, तो कुछ रिटेलर दोस्तों कमेंट करके ये कहेंगे कि सर जो हमारा 399 का रिचार्ज हुआ है वो हमें कब तक मिलेगा। दोस्तों कोई घबराने वाली बात नहीं है, जियो कंपनी में इस बारे में भी स्पष्ट कह दिया है, यदि आप एमएनपी करते हो और आपका जो है जो एमएनपी की रिक्वेस्ट है वो साथ के साथ या वो फेल हो जाती है, तो आपका पैसा जो है 24 से 72 घंटों के अंदर अंदर आपके जियो पोज प्लस के वॉलेट में सेंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर दोनों स्टेप यदि आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं समझे मैं आपको फिर से बता देता हूं। जहां पर कस्टमर का पोर्ट कोड एंटर किया जाता है वहां पर दोस्तों आपको डमी पोर्ट कोड एंटर करना है जो जियो कंपनी की तरफ से बनाया गया है और हमारे यहां पर सभी रिटेलर भाइयों को दिया गया है। यहां पर आपको लिखना है AM999999, ये पोर्ट कोड हो गया, उसके बाद कस्टमर की कंपनी सेलेक्ट कर दें और यहां पर जो है कब मारा है वो आज का ही डेट, जैसे मान लीजिए आप आज कर रहे हैं तो आज का ही आप डेट सेलेक्ट कर दें, इसके बाद दोस्तों इस प्रोसेस को कंप्लीट कर दें और आपकी एमएनपी रिक्वेस्ट डल जाएगी। और जैसे ही कस्टमर के नंबर पे दोस्तों पोर्ट कोड आ जाए तो आपको करना क्या है, यहां पर आपको कस्टमर के नंबर से एक मैसेज टाइप करना होगा यूपीसी स्पेस मोबाइल नंबर, उसके बाद स्पेस पोर्ट कोड, जो भी पोर्ट कोड आया वो आप वहां पर दर्ज करेंगे और उसको आप 60000 60000 सेंड कर देंगे। यहां पर आपका 100% जियो की जो एमएनपी है वो हो जाएगी, और कोई दिक्कत आए कोई परेशानी आए फिर भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं ये पूरा फॉर्मेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो जियो कंपनी ने हमें सेंड किया है। और दोस्तों यहां पर यदि एमएनपी फेल हो जाए 24 से 48 घंटे में आपका पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, यदि पसंद आई तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना,
और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और यदि आपको टेलीकॉम से रिलेटेड कोई दिक्कत आए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर जो भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, या आपको लॉगिन करने में या रिचार्ज फेल होने में कोई भी समस्या है, किसी प्रकार का एरर आए, तो आप फेसबुक पर मैसेज के जरिए मुझसे जुड़ सकते हैं और आपको जो भी समस्या आ रही है स्क्रीनशॉट के जरिए मेरे पास शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी वहां से भी पूरी मदद करूंगा। यदि मैसेज के जरिए वो मदद नहीं हो पाती है तो मैं डायरेक्ट आपका नंबर मांग लूंगा और आपको कॉल के जरिए मैं समझा सकता हूं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।